क्लास से। आज हम आपको कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि कल सैटरडे है, तो आज हम आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे इसी लेसन में। जो लेसन हमने आपको अभी तक पढ़ाया है, लेसन 12, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर्स आपको कराने जा रही हूँ। खोलिए पेज 143, पेज ओपन करिए इस बुक का, सोशल स्टडीज। इसमें सबसे पहले एमसीक्यू, पेंसिल हाथ में लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ मेहरौली पिलर, मेहरौली पिलर का डायमीटर कितना है, कितना है आपको पता है, 40 सेंटीमीटर है या मीटर, सेंटीमीटर, यस ए वाला। उसके बाद इम्पोर्टेंट रिचुअल्स वर परफॉर्म्ड इन अ, इसमें सी पर निशान लगाइए, गर्भ गृह, ठीक है, सॉरी। थर्ड है तोरण, तोरण आर बी गेटवे। उसके बाद में महाभारत किसने लिखी, रामायण तो आप सब जानते होंगे, रामचरितमानस भी जानते हो, लेकिन रामायण किसने लिखी, व्यास, ठीक है, बी वाला व्यास के ऊपर निशान लगा लें। अब इन राइटर्स के आपको नाम लिखने, जो ये बुक्स है ना, ये बुक्स किन राइटर्स ने लिखी है, तो इसमें आपको सबसे पहले है चरक संहिता। चरक संहिता जैसा कि नाम है इसका, ये लिखी थी महर्षि चरक, उनके नाम के पहले महर्षि लिखा रहा था और महर्षि चरक, सबसे पहले चरक संहिता। उसके बाद देखिए सेकंड आता है मणिमेकलम, मणिमेकलम ये लिखी थी साउथ के थे तमिल राइटर, जिनका नाम था सत्तानार, ठीक है, हम आपको सत्तानार S A double T O M A सत्तानार तमिल राइटर थे, उन्होंने लिखी थी। इसके बाद सिलपट्टीकरम, देखो बेटा ये तमिल भाषा के बहुत अच्छे हैं, ये एपिक्स है, जैसे हमारे यहाँ रामायण महाभारत है वैसे ही, तो ये किसने लिखी थी, ये थोड़ा सा नाम आपको अजीब लगते होंगे, लेकिन स्पेलिंग देख लीजिए ई एल ए एल एन गो ए एन आई E L A N G O, एलन गो। और इसके बाद पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका आया ये लिख लिया आपको, काउंटिंग में मेंशन हो गया आपको करने लगेंगे, एक तो सत्कारना लिखा होगा आपने, ठीक है, ये लिख लिया आपने मनी विक्रम, और फिर एलन गो आता है, ये आते हैं शिलापट्टिकरण, और फिर पंच सिद्धांतिका ये किसने लिखी, ये नाम आपका जाना पहचाना है, ये नाम मैं नोट कर दूं जो मैंने लिखे हैं, ये लिखे हैं आर्यभट्ट जी, लास्ट की है वो लिखी है आर्यभट्ट जी, तो आप लिख लीजिए निशान में, आपको स्पेलिंग आनी चाहिए आर्यभट्ट की, आर्य अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बैच द कॉलम, बैच द कॉलम। अब हम आपको बताते जाएंगे और आप मैच करते जाएंगे। सबसे पहले आयरन पिलर कहाँ है, ये हमने आपको पढ़ाया, कई बार बताया आयरन पिलर, फोर्थ वाला है आंसर मेहरौली, आयरन पिलर को मेहरौली से कनेक्ट करिए, ज्वाइन करिए, फिर
अजंता केव जो है स्तूप STUPA स्तूप तिथड़ाया सित्तन वासल ये अभी आपने नाम लिखा था तमिलनाडु ये तमिलनाडु के राइटर हैं और महाभारत ये है नंबर 2 एपिक ये महाकाव्य है महाभारत लिख लिया आपने इतना तो ये जो आपका फॉर्मेटिव श्लोक था ये कंप्लीट हो गया अब आप हमको बताइए फर्स्ट क्वेश्चन Who were the major characters from महाभारत महाभारत के जो मुख्य लोग हैं उनके नाम बताइए हम आपको निशान लगवा रहे हैं इस पे आप पहला निशान लगाइए हाथ में लाइट लीजिए उसमें लिखिए किंग पांडव ये फर्स्ट लाइन किंग पांडव उसके बाद सेकेंड नंबर धृतराष्ट्र फिर देखा निशान लगाते जाइए बाद में लिख लीजिएगा कौरवास उसके बाद दुर्योधन ये है दुर्योधन उसके बाद में लिखिए द्रौपदी देखो सबसे पहले आपने लिखा धृतराष्ट्र फिर आप लिखिए नंबर 2 कौरव इनके पुत्र थे 100 उसके बाद पांडव पांच ही थे ओनली 5 उसके बाद नंबर 4 दुर्योधन नंबर 5 द्रौपदी नंबर 6 इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना मेन कौन से कैरेक्टर थे महाभारत के सबमेटर स्ट्रोक में फर्स्ट क्वेश्चन ये लिख लीजिए उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन फाइंड पेंटिंग ऑफ हाई ग्लोरी आपको कहाँ कहाँ जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत अच्छी मिली हैं तो इसमें पहले आप सबसे पहले लिखिए पेंटिंग्स के बारे में पहले आप इसको ओपन करिए जहाँ पेंटिंग्स है जो देख रहे हैं इसको ओपन करिए और अब आप हम जो आपको बोलते जा रहे हैं वहाँ निशान लगाइए फर्स्ट अजंता केव्स इन महाराष्ट्र सबसे पहले लिखिए निशान लगा लीजिए अजंता केव्स इन महाराष्ट्र नंबर 2 बाघ केव्स इन मध्य प्रदेश बाघ केव्स इन मध्य प्रदेश और सीतानवरस टेंपल इन तमिलनाडु लिखा हुआ है ठीक है ये तीन जो है ये आप जरूर नोट कर लीजिए सबसे पहले आपका आया है अजंता इन महाराष्ट्र सबसे फर्स्ट अजंता इन महाराष्ट्र नंबर 2 बाघ के
मध्य प्रदेश और खंड संख्या 6 नवासल चंपल सारी जगह भी देखने लायक है, इतना अच्छा है तो इसमें हम कुछ कहीं नहीं सकते। हर जगह अपने आप में यूनिक है। तमिलनाडु ठीक है। उसके बाद ये लिख लो पहले अजंता इन महाराष्ट्र, बागकेस इन मध्य प्रदेश, सतामंतल टेम्पल इन तमिलनाडु, तीन लिख लीजिए। अब क्या लिखना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट आर तोरण, ठीक है। तो केवल एक लाइन में हम इसका आंसर बताएंगे। तोरण सार के थे, तोरण सार देखे ठीक है, ये लिख लीजिए। उसके बाद में पहले ये लिख लीजिए, फिर व्हाट आर मंडप, मंडप ये लिखिए। मंडप लिखे कि मंडप क्या है, ठीक है। लिखिए आप मंडप इज एन ओपन हॉल open hall where public meeting meetings and social gathering and used to help. मंडप इज एन ओपन हॉल वेयर पब्लिक मीटिंग एंड डबल कीर्तन religious and social gathering
लिखना। अब बच्चों पहले आप हर क्वेश्चन लिख लेंगे, सी वाला, बी वाला हम आपको बाद में लिखाएंगे क्योंकि ये शायद हमको पूरा का पूरा बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। तो पहले आप सी लिखिए, फिलअप करना है ना इसमें फिलअप। तो सी वाले में सबसे पहले आप भरिए फर्स्ट वाले जो खाली हो गए हैं वहां भरो, फिर करो शायद नंबर टू में फिल करिए कालिदास, नंबर थ्री में अजंता, और नंबर फोर में मनी मेकला। चारों रूट कर लीजिए फिलहाल इसमें। ठीक है, ये आपने लिखी है। देखो आप मैंने कितने सारे क्वेश्चन करा दिए आपको, फॉर्मेटिव भी करा दिया तीनों, और सबमेटिव में आपको ए वाला करा दिया और सी वाला करा दिया ना इसने। अब बी वाला मैं आपको मंडे को कराऊंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपको ये लर्न भी करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप लर्न ना करें, अगर नहीं करेंगे तो गड़बड़ है और मैं एक साथ इतने लिखाऊंगी भी नहीं, छोटे छोटे लिखाएंगे, इनको आप फेयर कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, बाद में मैंने जितने लेसन पढ़ाए हैं सबके क्वेश्चन आंसर लिखा दूंगी, लेकिन ये आप जो हमने आज लिखा है क्योंकि अभी अभी पढ़ाया था लेसन कंप्लीट हुआ है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा ना हो जाए। अब बाकी क्वेश्चन आंसर्स जो बच गए वो आपको मंडे को कराएंगे, तब तक आप इस वर्क को अपना कंप्लीट कर लीजिएगा जिससे कि आप पीछे ना रह जाए। ठीक है ना, तो ऑल द बेस्ट। छोटा काम इसलिए दे दिया है कि आप जल्दी करें। ऑल द बेस्ट, सी यू, बाय।